चाय पत्ते को क्या उला रहे हैं क्या, फांकने के लिए? घी में फ्राई करते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। और आज ही ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन शाम को सब्जी मंडी लगती है, तो मैं सब्जी लेने गई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो सब्जी ले लिया है। उसके बाद हम लोग नारियल पानी पी रहे थे और बस अब हम घर चलते हैं। और ज़्यादा क्लिप यहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि लेट हो रहा था, मेरे हस्बैंड को नाइट ड्यूटी भी जाना था इस कारण से, तो देख सकते हैं। और ज़्यादा मार्केट में आज भीड़ नहीं है क्योंकि देख रहे हैं रोड पूरा खाली खाली लग रहा है। ऐसे इतनी भीड़ रहती है ना कि मैं बता नहीं सकती, चलना मुश्किल हो जाता है। उस हिसाब से आज बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल रोड देख सकते हैं पूरा खाली है। और इतनी भीड़ रहती है ना कि वीडियो शूट करना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, ये हालत रहती है। तो उस हिसाब से आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो हम लोगों ने सब्जी ले लिया है और अब घर चलते हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। क्या है? गुड मॉर्निंग, हेलो। आओ राम राम। आरती का सेवा सत्कार में लगे। मेरा कौन सा सेवा है? आपके के लिए चाय बना रही हूँ। चाय पत्ती दिए हैं हमारे से? घर के दिए, सिर्फ चाय पत्ती का ही चाय बना रही हूँ, ना दूध ना चीनी ना पानी कुछ नहीं। तो उसको चाय पत्ती को क्या उला रहे हैं क्या, फांकने के लिए? घी में फ्राई करते। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। अरे ऐसी आदर्श पत्नी, अब सिर्फ चाय पत्ती का चाय बनाने बोले, सोचिए मैं सिर्फ चाय पत्ती का चाय बना। हाँ समझ में आ गया। ठीक, ऐसी बीवी आप लगता आप नहीं पीजिएगा, हमारे लिए ही बन रहा है। ऐसी बीवी आपको ढूंढने पे भी नहीं। हाँ इसीलिए तो लायक हो गया। कहाँ गए थे खोजने? चाय पत्ती का चाय बन रहा है भाई हमारे यहाँ, देखते हैं कैसा कैसा होता है। देखिए चाय पत्ती एक चम्मच। अब नहीं दूंगी, पहले से मैंने दिया है। बताइए एक चम्मच चाय पत्ती दी है, कह रही है कि चाय पत्ती का चाय कैसे बनेगा। आप चाय को देखिए ना, चाय क्या चाय पीने से पत्ती पीना से बताइए, तो पानी में भी घोल के भी पिला सकती हूँ आपको। अब चलिए कोई बात नहीं, बनाइए। अच्छा नहीं बनाए क्या? इतना तो अच्छा चाय देखे तो। किचन में आ गई हूँ, पूजा पाठ मेरा ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता, बाबू लोग का भी फरमाइश है और हस्बैंड भी बोले कि ठीक है पास्ता बना दीजिए, तो बस वही मैं अभी पास्ता बनाऊँगी।
मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। और हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और आज कुछ भी करने का मेरा दिल नहीं कर रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा। और मेरी आँखें दर्द हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूँ। और ये चूड़ी देख सकते हैं, कल मंदिर गए थे ना तो वहाँ पहनाए थे, आगे वाला, इसमें भी और इसमें भी। तो अभी फिलहाल आज तो असल कपड़ा नहीं धुलूँगी, कल धुलूँगी, कल मशीन लगाऊँगी ना तो आज नहीं धुलूँगी। और बाकी अभी ब्रेकफास्ट का बर्तन लग, लंच का मतलब यानी कि लंच बनाऊँगी वो सब। तो बस लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, सिर्फ सोने का इच्छा कर रहा है। ये मेरे नेलपेंट कैसा लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग लाना चाहिए खुद में, मुझे ऐसा फील होता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा, गेस किया होगा, नोटिस किया होगा कि मैं नेलपेंट नहीं लगा, पता नहीं आप लोग को आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है और दौड़ फैन रह नहीं सकते, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे नेलपेंट छूट जाते हैं, मैं ऐसी रह जाती हूँ, नहीं लगाती हूँ। एक दो लोग मुझे बोल चुके हैं ऐसे वीडियोज़ में अच्छा नहीं लगता है, वीडियो बनाते हैं तो कम से कम नेल पेंट लगा कर रखा कीजिए। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बाल नहीं झाड़ती हूँ, आप अभी भी सही कहूँ नहीं, आज तो झाड़ा, उस सुबह जब मैं वॉकिंग गई थी ना तब मैंने झाड़ा था, उसके बाद नहीं झाड़ी। और कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि करना चाहिए और मुझे भी खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। मुझे अब ऐसा फील होता है, निकालना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए उस चीज़ों को जो मैं नहीं करती हूँ। मुझे लगता है छोड़ो क्या करना, बस सही है जैसा सही है, लेकिन नहीं, अच्छा फील होता है सच बताऊँ। मैंने नेल पेंट ही ज़्यादा छोड़ी है, मैंने नेल पेंट ही लगाया है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो होना चाहिए यार चेंजिंग, एकदम से ऐसा इग्नोर नहीं कर सकती कि बस अगर छूट गया तो ठीक है चलो। अब वो जब तक आप खुद से, कल मंदिर में मेहंदी, तो कल मतलब जब तक वो खुद से साफ नहीं होता है तब तक मैं दूसरा नेल पेंट नहीं चढ़ाती हूँ। कहीं जाने का हुआ हो ऐसा तो फिर उसी के ऊपर मैं कर लेती हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो देखिए कोशिश करो, आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे रहिए वैसे करिए, तो कोशिश करूँगी मैं। अब पहले से देखिए थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, अब धीरे धीरे सुधार आएगा ना। अचानक से जो इंसान कुछ नहीं करता हो उसमें अचानक से, हाँ पहले थी बहुत आवाज़ आ रही थी आप लोग, पहले ऐसा था कि बिना मतलब हर एक चीज़ मैचिंग का मेरा होता था। जिस कलर की साड़ी, शादी के बाद की बता रही, जिस कलर का साड़ी उस कलर का चूड़ी, उसी कलर का बिंदी, मतलब हर एक चीज़ मैचिंग मैचिंग, बिना मैचिंग के मैं पहनती ही नहीं थी। मेरे ससुराल में सब लोग जानते थे कि मैचिंग पहनती, मैं इन्हें आई थी एक बार फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरे साड़ी लेकर के, तो मेरा सब कुछ मैचिंग का लेकर के आई थी, क्योंकि पर उनको पता था कि भाभी मैचिंग का ही पहनती है, जैसे जिस कलर का साड़ी उसी कलर का मैं चूड़ी पहनती थी। लेकिन ये मेरे मतलब ये कब से हुआ, जब से बच्चे हुए ना, फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल भी छोड़ दिया। बस ये लगता था सिर्फ और सिर्फ बच्चा, मुझे बस ये फील होता था यार अब तो बच्चा हो गया, शादी हो गई, अब किस लिए सब करना, किस लिए खुद को तैयार करना, किस लिए खुद के लिए टाइम निकालना। बच्चा और हस्बैंड यही तो हमारे लाइफ के सबसे मतलब अहम हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि मैं खुद के लिए क्यों तैयार हूँ, खुद के लिए कुछ क्यों करूँ, ये फील होता था। लेकिन आप लोगों ने मुझे रियलाइज़ कराया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें बहुत ये करती हूँ कि बहुत बड़ी गलती करती हूँ, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें और सच में सुधार लाना चाहिए। फील होता है कभी कभी, मतलब कब फील नहीं होता था मुझे, अब फील हुआ जब आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कहा तो ऐसा फील हुआ कि नहीं करना चाहिए। और मेरा कोशिश रहेगा, आप लोग तो देख सकते हैं कि मैं अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार ला रही हूँ,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरे कमियों को बताता है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि जो भी है मेरे अंदर कमी है मैं उसे सुधारूँ। तो इस कारण से आप लोगों से मैं हमेशा पूछती हूँ कि मेरी वीडियोज कैसी लगती है, अगर कुछ कमी है तो आप बताइए, कुछ मेरे अंदर आपको कुछ दिखता है कि ये चेंजिंग आना चाहिए तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो का मैं यही पैन करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप, ये साड़ी कैसी लगी, क्योंकि मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।